अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अचानक ईद मुबारक है, अचानक ईद हुई। शाम रात कभी मैंने ब्लॉगिंग डाला तो कल ईद वाले दिन मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द था, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि चलो सेकेंड डे तो होता है। फिर सेकेंड डे फिर हमने दावत की थी अपने मामू वगैरह की, तो फिर मैंने ब्लॉग छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे, तो ये थी कि मैंने कहा चलो छोटे छोटे क्लिप्स तो ले लो अपने व्यूअर्स को ईद मुबारक कहने के लिए। तो ये खीर बना रहे थे, लजीदा खीर, बहुत ही मज़े की ये खीर है। चीनी ये दूध दिया था, तो दूध के अंदर लजीदा खीर डाली है और साथ में वो कबाब बना रहे थे। दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे खीर को, और आप सारे बताए कमेंट्स करके कि आपकी कैसी गुजरी, कहाँ गए, लॉकडाउन हमारे तो लगा हुआ है, हम कहीं नहीं गए। अल्लाह ताला इस मुझे वबा से जल्द छुटकारा दिलाए, पूरी दुनिया में पहले जैसे इसको बहाल करें, जैसे जैसे भी उनकी बहाल करें। इधर कबाब बना रही थी, कबाब का बैटर हमारा तैयार हो रहा है, इसके अंदर सारा कुछ डाल दिया था ये खीर के लिए, बादाम है, चीनी है, पिस्ता है, पिस्ते को काट देंगे। इधर चाट बना रही थी, आलू को छील कर मैंने काट लिए थे, पिस्ता बादाम पिस्ते को भी काट लिया था, ये उंगली की गुठलियाँ निकाल रही थी। ये मैंने अपनी भाभी को मेहंदी लगाई थी, मैंने कहा भाभी आप मेहंदी भी दिखाएं, रिवर्स करके कैसी लगी। मैंने अपनी भाभी को मेहंदी लगाई है, लेकिन टमाटर काट रही थी बारीक बारीक चाट के लिए। प्याज का नमक लगा के रख दिया था, ये हमारा बैटर हो गया था कबाब के लिए तैयार। ये साथ साथ खीर देख रही थी, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे। ये इमली का पेस्ट तैयार हो रहा था, कोई कहीं लग गया, कोई कहीं क्लिप लग गया। ये चाट के लिए टमाटर और चने डाल लेंगे। खीर हमारी तैयार हो रही है, प्याज और प्याज का नमक लगा दिया था, खीर हो गई थी हमारी तैयार। मॉश करना बहुत मजे की बनी थी लजीदा खीर। आपने क्या बनाया था अपने ईद पर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चाट बना रही थी, चाट मसाला डाल दिया था, प्याज टमाटर बैटर जो इमली का तैयार किया था वो डाल लिए, इमली का पानी। इमली के छाने की गुटली वगैरह जो उसके है वो एक साइड से रही है, पानी चाट वाली हो गई है रेडी। इधर क्या पका रही थी कबाब के पीसने से, हमारा बैटर हो गया तैयार कबाब का। और बड़ा गोश्त बना रही थी, उसके अंदर गरम मसाला वगैरह डाल रही थी। हमारा सैलड तैयार हो गया था, खीरे और टमाटर, साथ पुलाव बना रही थी। आज बड़ा गोश्त तैयार हो रहा था,
प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। मसाला हो गया हमारा पुलाव के लिए तैयार। इसके अंदर गोश्त डाल देंगे, चिकन चिकन पुलाव बनाया था साथ। मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो करें, इंस्टा की मेरी आइडिया बना मुस्कान ब्लॉग्स के नाम से। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये हमारा हो रहा है तैयार, इधर पुलाव के लिए तैयार हो रहा है। साथ रायता तैयार कर रही थी, चटनी जरा चटनी हमारी हो गई थी तैयार, दही की चटनी। ये हमारे साथ पुलाव तैयार हो रहा था, चावल डाल लेंगे अब इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर दम पर लगा दिया था और फिर कबाब बना रही थी। जब दावत चली हो तो फिर जल्दी जल्दी हर काम होता है, फिर वैसे ही नहीं पूरी पूरी दी जाती, थोड़े थोड़े क्लिप्स ही दिए जाते हैं। इधर हो गया था हमारा पुलाव रेडी, बहुत ही मज़े का बना था पुलाव। मेरा बीट हमारा हो गया था तैयार, बहुत ही मजे का बना था। कबाब तैयार रेडी हो रहे थे, कबाब ही हमारे हो गया था रेडी। कढ़ाई के अंदर मैंने आग डाल दिया था, इधर बना रही थी सोइयां। ये मैंने सेकंड डे पे सब कुछ बनाया था, सेकंड डे का ब्लॉग है, फर्स्ट डे पे मैंने ब्लॉग नहीं था बनाया। के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इनको बुनाई करेंगे। अब इसके अंदर पानी डाल लेंगे, सब चीनी डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे सोइयों को चीनी के अंदर। सोइयां हो गई थी हमारी रेडी, बादाम पिस्ता डाल लेंगे, कोकड़ा डाल देंगे,
चिकन का सालन, चिकन का सालन बनाया था, सोया चीज पुलाव था, चिकन पुलाव था, बीफ था और पुलाव सैलड था, लजीजा खीर थे, कबाब थे, मिठाई भी थी, बोटल वगैरह भी थी। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत मज़े का खाना था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स में। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्यों कैसे लगे मेरी ये सेकेंड डे का ब्लॉग ईद स्पेशल, और आपने क्या क्या बनाया ईद वाले दिन और आपकी कैसी गुजरी, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा।